नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। गुलमोहरी थाना क्षेत्र में घटी फायरिंग की घटना, राहगीर महिला को लगी गोली, टीएमएच में चल रहा इलाज। बागबेड़ा के बेड़ो डिपा में झूठे आरोप से व्यथित एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या का किया प्रयास। बुधवार की रात दो अलग अलग स्थानों में चोरी की घटी घटना, पुलिस मामले की कर रही जांच। और 10 टन सरिया के साथ राजनगर पुलिस ने गया से किया एक अभियुक्त को गिरफ्तार। खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के गुलमोहरी थाना अंतर्गत गाड़ाबासा में अपराधियों ने हवाई फायरिंग की। इस घटना में वहां से गुजर रही महिला सुनीला शर्मा को गोली लग गई। घटना के बाद सुनीला को तत्काल इलाज के लिए टीएमएच पहुंचाया, जहां महिला का इलाज चल रहा है। महिला के पेट में गोली लगी है। इधर घटना की सूचना पाकर एसएसपी डॉक्टर एम तमिलवानन, प्रभारी डीएसपी सिटी अनिमेश गुप्ता समेत अन्य पुलिस पदाधिकारी टीएमएच पहुंचे और घायल महिला से घटना की जानकारी ली। एसएसपी ने बताया कि महिला के अनुसार वह अपने पड़ोसियों के साथ मोबाइल रिपेयर करवाने जा रही थी। घर से थोड़ी दूर जाने पर देखा कि एक युवक हवाई फायरिंग कर रहा है। अचानक से उसके पेट से खून निकलने लगा। लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, तब जाकर गोली लगने की जानकारी हुई। गोली महिला के पेट में फंसी हुई है। एसएसपी ने बताया कि घटनास्थल के पास लोगों से पूछताछ की जा रही है, जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये आज अभी 5 बजे आसपास में गोलमुरी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक मधुरा बगान है, वहाँ के एक सुनीला शर्मा नामक एक लेडी है, उनको गोली लेने के बाद बताई गई थी। तो फिर उनको तुरंत हम लोग उनको टीएमएच में एडमिट कराए हैं और हम लोग टीएमएच में आके उनसे बात भी किए हैं। अभी आउट ऑफ डेंजर है, एक्सरे भी हुआ है उनका, गोली फंसे रहने के शायद खा डॉक्टर बता रहे हैं, उनको ऑपरेशन अभी करने हैं। उनसे जहाँ तक बात हुई तो वो बता रही थी कि जो है हम लोग और पड़ोसी के साथ मोबाइल रिपेयरिंग करने के लिए दुकान जा रहे थे, तो उस समय एक लड़का हाथ में हथियार था, एक दो फायर ऊपर कर रहा था आसमान में। फिर थोड़ी देर बाद इनको पता चला कि इनको भी पेट में गोली लगी है। तो जैसे ही खून निकलने लगा तब इनको पता चला कि गोली लगी है, इनको पता भी नहीं चला और ये आदमी को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोग अभी तुरंत पीओ पर टीम वगैरह भेज के और हम लोग अभी रेड करा रहे हैं, कौन किया है वहाँ का, लोगों से पूछताछ कर रहे हैं और हम लोग भी अभी पीओ जा रहे हैं वहाँ पर। हम रात तक हम लोग इसमें कौन आदमी था, क्या था, किस कारण ये घटना हुआ, ये सब कुछ हम लोग पता कर लें। महिला की कितनी एज होगी? महिला का करीब 40-40 आसपास पे होंगे। महिला का नाम क्या है? सुनीला शर्मा। अभी क्या खतरे से बाहर है? हाँ, खतरे से बाहर हैं, उनके परिवार भी आ गए हैं और हम लोग जो अपने तरफ से जो मदद हो सकता है हम लोग पूरा कर रहे हैं। टीएमएच के डॉक्टर लोग इसमें 100% अपना शिक्षा में लगे हुए हैं ट्रीटमेंट में और आउट ऑफ डेंजर है, लेकिन अभी बात करने की स्थिति में है, लेकिन पूरा हम लोग पूछ नहीं पाए और हम लोग अपने लेवल पर टीम बना के जो जो आदमी था वहाँ का वो हम लोग अभी चेक करवा रहे हैं, जल्दी हम लोग गिरफ्तार करेंगे। उधर जमशेदपुर में चोरों ने बीती रात बर्मा माइंस थाना अंतर्गत ट्यूब गेट के समय पंजाब होटल में चोरी का प्रयास किया, हालांकि चोर अपने मंसूबे में सफल नहीं हो सके। चोर दुकान का ताला तोड़कर भीतर जरूर प्रवेश किए मगर किसी सामान को ले जाने पाने में असफल रहे। दुकान मालिक के अनुसार उन्हें किसी ने दुकान का ताला टूटे होने की जानकारी दी। पहुंचने पर पाया कि दुकान के अंदर रखे सभी सामान सुरक्षित है, इसकी जानकारी बर्मा माइंस थाना पुलिस को दे दी गई है। बर्मा माइंस सार्जन बस्ती ट्यूब गेट के सामने में पंजाब होटल है मेरा, और हमको किसी ने बोला कि आपका ताला टूटा हुआ है, तो हमने आके देखा कि ताला टूटा हुआ है और सामान तो कोई चोरी हुआ नहीं, और मेरा दरवाजा दोनों टूट गया है और चोरी तो कुछ हुआ नहीं मेरा, चोरी का प्रयास जरूर किया गया था। कब से होटल चला रहे हैं? ये होटल तो मेरा पिताजी के टाइम का है, पिताजी चलाए फिर माँ चलाए फिर हम चला रहे हैं, अभी बहुत पुराना होटल। हमने थाना में रिपोर्ट नहीं लिखा है क्योंकि चोरी तो हुई नहीं, इसलिए हमने प्रयास नहीं किया रिपोर्ट लिखाने का, और आने वाले दिनों में हो सकता है कि ज़्यादा चोरी हो सके। फिर मेरा नाम हरजिंदर सिंह बिट्टू है। उधर जमशेदपुर के बेड़ा डिपा निवासी भोला दास ने साड़ू की बेटी द्वारा छेड़खानी का आरोप से अवसाद में आकर फांसी लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। यह जानकारी भोला की पत्नी ममता दास ने एसएसपी को एक लिखित शिकायत में दी है।
ममता ने शिकायत के माध्यम से बताया कि भोला दास कुछ दिनों से अवसाद में था। पूछने पर उसने बताया कि साड़ू की बेटी पूजा दास ने उस पर छिड़खानी का गलत आरोप लगाते हुए सभी के साथ मिलकर मारपीट किया करती थी। वे लोग बार बार भोला को जान से मारने की धमकी भी दे रहे थे। बार बार मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर भोला ने मंगलवार को फांसी लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। घटना के बाद पड़ोसियों ने उसे तत्काल इलाज के लिए TMH में भर्ती कराया, जहां वह जिंदगी और मौत की जंग में लड़ रहा है। ममता ने SSP से अपील की है कि मामले की जांच करते हुए दोषियों पर कार्रवाई की जाए। दरवाजा बंद कर लिया, आधा घंटा लगा हम लोग दरवाजा तोड़ने में। क्या कारण लगा? वो लड़की का कारण। तो लड़की से चक्कर था उसका? चक्कर नहीं था, शर्म से वैसे किया। मतलब शर्म क्या चीज का? मतलब बेटी बेटी लगता है ना रिश्ता में, इसीलिए शर्म। क्या लगता है उसको फंसा दिया? लड़की है, फंसा दिया। जो लड़का जो फांसी लगा है उसको बीवी का वो कौन लगती है? उसका बीवी का बहन का बेटी है, बुआ का बेटी, अपना, बुआ का बेटी है। अभी क्या परेशानी हो रहा है? अभी परेशानी कुछ नहीं की, हम लोग को इंसाफ। क्या इंसाफ मांग? वो लोग उधर से ठीक है ना। क्या इंसाफ मांग रहे? हम लोग का मरीज नहीं दे रहा अभी, TMH में थोड़ा सा मतलब जान तो बचा है, तो हम लोग सोच रहे हम लोग गरीब है, हम लोग कहाँ से उतना हम लोग के पास नोट रहेगा, तो हम लोग कब ना हम लोग किसको उसको इलाज कराएंगे। हम लोग सोच रहे कि उसको रिम्स ले जाएंगे। कितना पैसा हो गया? वो 1 लाख से भी ज्यादा, एक दिन में 25,000 करके लग रहा है। कितना तारीख को लगा है? 4 तारीख। कितना जमा किया आप लोग? अभी हम लोग कितना जमा किया है? कभी TMH क्या बोलते, पैसा तो तब ले जाएंगे। नहीं, वो बोल रहे तुम लोग पहले जाओ थाना में, थाना में कुछ अब तो कागज लाओ, मतलब कुछ अगर रास्ता में हो जाएगा तो हम लोग गारंटी ले लेंगे, फांसी चढ़ा देंगे। तो दो जन साइन किया है ना पेपर में, TMH में मतलब मरीज को भर्ती करने से समय में दो जन साइन चाहता है ना, तो साइन तो किया है ना, तो इसीलिए बोल रहे कि जो जो साइन किया उसको हम लोग फांसी उम्र कद का सजा हम लोग लगा देंगे अगर मरीज का कुछ हो जाएगा तो। उधर जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना अंतर्गत धतकड़ी सोनार लाइन में बीती रात चोरों ने फैब्रिकेशन की दुकान का ताला तोड़कर दुकान में रखे मशीन और टूल्स अपने साथ ले गए। हालांकि चोर महंगे सामान अपने साथ ले जाने में विफल रहे। दुकान मालिक सुहेल अहमद के अनुसार क्षेत्र में आए दिन चोरी की घटनाएं होती रहती है, कई बार स्थानीय पुलिस को इसकी शिकायत की गई है, बावजूद इसके आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहती है। उन्होंने बताया कि गुरुवार को सुबह जब वे दुकान पहुंचे तो शटर का ताला टूटा हुआ पाया और अंदर रखे कुछ टूल्स और मशीन गायब मिले हैं। इसकी सूचना बिष्टुपुर थाना पुलिस को दे दी गई है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है। चोरी होते रहता है, मेरे यहाँ से भी बहुत सारा 2-3 बार चोरी हुआ है, बाहर भी हम लोग रखा रहता है, तो भी 2-3 बार आगे से भी पीछे से भी दोनों तरफ से चोरी हुआ है। आज क्या हुआ? आज हम लोग हमारे छोटा रूम है दुकान के साथ में अटैच, जिसमें हम लोग अपने टूल्स और मशीन वगैरह रखते हैं, जो एक्स्ट्रा रहता है जो ज़्यादा है वो हम लोग यहाँ रखते हैं और यहाँ से निकाल कर अपने काम लगा रहे हैं। तो इसमें आज ये इसमें दरवाज़ा तोड़ करके ताला लगा हुआ था, क्योंकि इसमें छोटा पल्ला है, लेकिन नीचे का पल्ला कब्जा से उखाड़ करके निकाल दिया बाहर, और उसके बाद फिर घुस करके अंदर में इससे छोटा छोटा कुछ चीज़ वगैरह चोरी हुआ है, ये बक्सा वगैरह तोड़ा हुआ है, और मशीन का केबल वगैरह वही है। सुहेल अहमद है और धक्की भी मार्केट एरिया में हमारा फैब्रिकेशन का वर्कशॉप है। 10 टन सरिया के साथ राजनगर पुलिस ने गया से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। सरायकेला जिला अंतर्गत राजनगर थाना पुलिस ने रुंगटा माइंस से 29 टन सरिया गायब करने के मामले में बिहार के गया जिले के डोभी थाना क्षेत्र के नवाडी से ट्रक मालिक अखिलेश कुमार को 10 टन सरिया के साथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए राजनगर थाना प्रभारी चंदन कुमार ने बताया कि पटना स्टील ट्रेडर्स में कार्यरत रविकांत पांडे के लिखित शिकायत के आधार पर एक टीम गठित करते हुए मामले का अनुसंधान किया गया। इसी क्रम में ट्रक के मालिक अखिलेश कुमार के घर पर छापेमारी की गई, जहां से 10 टन सरिया बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि बाकी सरिया अखिलेश कुमार ने अपने नव निर्मित मकान में लगाने की बात कही है। राजनगर थाना प्रभारी ने टीम गठित कर गायब हुए 29 टन सरिया में शामिल अभियुक्तों का पर्दाफाश करने में सफलता हासिल की है। उन्होंने एक लिखित आवेदन दिए कि उनका सरिया जो है रुंगटा माइंस से लोड हुआ था, लगभग 29 टन
सरिया था, वो लोड हुआ था पटना के लिए, लेकिन पटना ना पहुंच करके बीच रास्ते से ही गायब हो गया सरिया। उसके बाद हमने अपने बड़े पदाधिकारी को सूचना दिए और उसके बाद FIR दर्ज करते हुए एक टीम का गठन किया गया। टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए गया गया और उक्त व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया एवं सरिया भी बरामद किया गया है। और वहीं भारतीय जनतंत्र युवा मोर्चा के द्वारा नशा मुक्ति अभियान बर्मा माइंस हरिजन बस्ती में चलाया गया और बैठक किया गया। इस मौके पर विधायक सरयू राय उपस्थित थे। नशा मुक्ति अभियान कार्यक्रम में विधायक सरयू राय, जिला अध्यक्ष सुबोध श्रीवास्तव, महिला जिला अध्यक्ष मंजू सिंह समेत तमाम कार्यकर्ता उपस्थित थे। मीडिया से बात करते हुए विधायक सरयू राय ने कहा कि वे नशा मुक्ति के खिलाफ जागरूकता अभियान चला रहे हैं ताकि लोग नशा से दूर रहें। जहां जाते हैं लोग नशा के खिलाफ शिकायत करते हैं, वहीं प्रशासन के लोग शिथिल हैं आदि बातें उन्होंने कही। 5 से 12 एक सप्ताह तक हम लोगों ने जमशेदपुर में नशा मुक्ति अभियान आरम्भ किया। बड़ी शिकायतें मिल रही हैं, यहाँ जाते हैं हम लोग बताते हैं कि अड्डेबाजी होती है, कुड़िया लोग के खाता पीता है और जब हम जाते हैं नजदीक तो भाग जाते हैं। प्रशासन भी शिथिल है, कोई मदद नहीं कर पा रहा है, इसलिए हम लोगों ने एक जागरूकता अभियान एक हफ्ते का रखा है कि लोग लक्षण पहचाने कि हमारा बेटा कोई नशा कर रहा है तो कैसा लगेगा, आएगा घर में तो कैसे पहचानेंगे, और घर में आने के बाद वो झंझट करता है, उसको पैसा चाहिए तो घर का पैसा भी बाहर जाता है। इसलिए तय किया है युवा मोर्चा को आगे रखकर कि नशा मुक्ति अभियान चलाएं, और चूँकि स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसलिए राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर इसका हम समापन करेंगे। साथ ही आपको बता दें, जमशेदपुर में कोल्हान विश्वविद्यालय से BEd कर रही छात्राएं सरकार और यूनिवर्सिटी की लापरवाही के खिलाफ आंदोलन की राह पर है। गुरुवार को आंदोलित छात्रों ने सरकार के खिलाफ जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करते हुए विश्वविद्यालय और सरकार पर 2 साल बर्बाद करने का आरोप लगाया। छात्राओं ने इस संबंध में जिला कल्याण पदाधिकारी को एक मांग पत्र सौंपते हुए बताया कि पहले साल की फीस सरकार की ओर से जमा नहीं कराई गई। इस बीच दूसरे सत्र का सेशन शुरू हो गया है जिसके लिए नामांकन की अंतिम तिथि 15 जनवरी निर्धारित की गई है। पहले से ही कोविड के कारण सत्र लेट चल रहा है, अब सरकारी उदासीनता के कारण दूसरा सत्र भी अधर में लटक गया है। छात्राओं ने फीस जमा होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। हम लोगों को वो पैसा मिल नहीं पा रहा है। लास्ट ईयर हम लोग जो फॉर्म फिलअप किए थे BEd के लिए, उसमें हम लोग 2 महीना पहले से डॉक्यूमेंट दे चुके हैं, जो भी हम लोग का प्रोसेस है हम लोग कर चुके हैं, बट गवर्नमेंट उस चीज़ को आगे नहीं बढ़ा रही है, पैसा नहीं मिल पा रहा है। और जो 21-22 का सेशन है उसके लिए हमें फर्स्ट ईयर का मार्कशीट चाहिए, जो हम लोग के पास है नहीं, क्योंकि हम लोग एग्जाम तो दे दिए बट रिजल्ट आउट नहीं हुआ। तो 21-22 का फॉर्म हम लोग डॉक्यूमेंट की वजह से नहीं भर सकते हैं, और 20-21 का जो फॉर्म भर के रखे हैं वो अभी तक अप्रूव नहीं किया जा रहा। अभी समस्या सबसे पहली समस्या क्या आप लोग? यही है कि हम लोग का पढ़ाई अभी हम लोग कैसे करेंगे, क्योंकि कॉलेज से हम लोग को नोटिस आ रहा है कि आप लोग पैसा अपना जो फीस है उसको आगे करिए, और हम लोग के पास वो है नहीं, क्योंकि हम लोग पहले एडमिशन में अपना पैसा लगा चुके हैं, अब सेकेंड टाइम गवर्नमेंट का पैसा से हम लोग को एडमिशन लेना था, जो हम लोग के पास है नहीं। कितना पैसा लग रहा है टोटल? BEd में 2 साल का फीस है 1,40,000, जिसमें से गवर्नमेंट हम लोग को अप्रॉक्स 78,000 देगी। नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा अभी। इधर ग्रामीण विकास विभाग JSLPS के सौजन्य से जमशेदपुर प्रखंड मुख्यालय में आई कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें कई लोगों ने अपने आंखों की जांच करवाई। जानकारी देते हुए अनु सिंह ने कहा कि गुरुवार को JSLPS और SCG नेत्र चिकित्सालय के सहयोग से JSPLS के कर्मचारियों और अन्य लोगों का नेत्र जांच करवाया गया ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। आईज को लेके खास करके रेटिना और धूल के वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम, किसी को मतलब आंखों में पानी आना, ये सब प्रॉब्लम्स आ रही थी। इसी के लिए हम लोगों ने एम्प्लॉयज के लिए आई चेकअप कैंप लगवाया है। SG से हम लोगों ने कांटेक्ट किया और हम लोगों ने ये कैंप लगवाया है एम्प्लॉयज के लिए, और अदर जैसे उनके पेरेंट्स हैं वो भी इसका फायदा उठा रहे हैं। और जमशेदपुर पोटका प्रखंड के 4 लैंपस के अध्यक्ष और सचिव ने कहा कि नमी मापक यंत्र नहीं मिलने से लोग किसानों से धान नहीं खरीद पा रहे हैं।
आसनबनी लैंपस के अध्यक्ष चुनका राम मुर्मू और पोटका लैंपस के सचिव खुदीराम बेसरा ने कहा कि अब तक उन्हें नमी मापक यंत्र वेट वजन नहीं मिला है, जिससे किसानों से वे धान नहीं खरीद पा रहे हैं। सभी लैंपस में धान अधिप्राप्ति केंद्रों में कंप्यूटर ऑपरेटर प्रतिनियुक्ति होनी चाहिए आदि उन लोगों की मांग है। अभी तक हम लोग को जो नमी मापक यंत्र प्राप्त नहीं हुआ है, जिसके चलते हम लोग धान खरीदना शुरू नहीं कर पा रहे। क्यों? जब नमी मापक यंत्र नहीं रहेगा तो किसान से जब धान लिया जाएगा उसमें नमी कितना है कितना नहीं है, बाद में अगर मिलर एक्सेप्ट नहीं करेगा तो दिक्कत हो जाएगा हम लोग को, लैंप्स को, इसलिए हम लोग शुरू नहीं कर पाए। क्या मांग है आप लोग की? मांग है कि हम लोग को नमी मापक यंत्र मिल जाए, वेट मशीन मिल जाए और एक एक लैंप्स का ऑपरेटर अलग अलग मिल जाए हम लोग को। तो अभी तक धान की खरीद हुआ है कि नहीं पुटका प्रखंड से आप लोग? नहीं हुआ है अभी तक, यंत्र नहीं रहने के कारण, नहीं मिलने के कारण हम लोग शुरू नहीं किए। हमारे लैंप्स में अभी तक कोई कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं पहुँचा है, संपर्क भी नहीं किया है। दूसरी बात है कि जैसे खुदीराम बाबू जी बोला नमी मापक यंत्र, दूसरी मापा धान ये करने का जो वाइट मशीन, ये सब नहीं है। दूसरी बात है हमारे जनसेवक जो है ना, कोई संपर्क किया हमारे आसनबनी में तो संपर्क किया है वीरेंद्र बाबू, और बाकी पोटका में नहीं किया है, कवाली में नहीं किया है और आप चकड़ी में भी नहीं किया है। इसी कारण कल हम लोग एक मेमोरेंडम दिए हैं जिला प्रबंधक को। अच्छा, कृषि हमारे कृषि जो आइए है और आपूर्ति विभाग को भी दिए हैं और सरकारी के पदाधिकारी को भी हम लोग दिए हैं। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। अब अपने ख्वाबों के घर को सजाइए एवं वुड आर्ट के फर्नीचर से। अगर आप भी अपने घर को देना चाहते हैं बेहतरीन लुक तो जरूर आए एवं वुड आर्ट में। एक से बढ़कर एक फर्नीचर, नए और आकर्षक डिजाइन के साथ सिर्फ एवं वुड आर्ट में। यहाँ सस्ते और कम मूल्यों में एक से बढ़कर एक फर्नीचर उपलब्ध है जो आपके घर को देंगे आधुनिक लुक। जमशेदपुर के आजाद नगर मानगो में फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम एवन वुड आर्ट, जो आपको देता है हर फर्नीचर पर 100% गारंटी। हमारे यहाँ उपलब्ध है सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, पलंग, ड्रेसिंग आईना, सेंटर टेबल के साथ अन्य तरह के हर फर्नीचर, वो भी 10% छूट के साथ। अब एक ही छत के नीचे उपलब्ध है आपके घर को सजाने का हर सामान। हमारा पता एवन वुड आर्ट, प्रोपराइटर हाजी एमडी शमशुद्दीन, ऑपोजिट रोड नंबर 13, ओल्ड पुरुलिया रोड, जाकिर नगर वेस्ट मानगो। हमारा ब्रांच चेपापुल नियर अक्का गागर मानगो जमशेदपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 7997998059998 और 9433111748। अल करीम फास्ट फूड, एक जाना पहचाना नाम, आपके लिए लेकर आया है लजीज व्यंजनों को, वो भी आपके घर के करीब। शहर में विभिन्न स्थानों पर हमारे कैटरिंग आपकी सेवा में। महंगाई के इस दौर में भी किफायती और लजीज चाइनीज व्यंजनों के लिए हमारे कोलकाता से आए विशेषज्ञ शेफ प्रॉपर हाइजीन के साथ। इसके अलावा बिरयानी, फ्राइड राइस, रोल्स के अनगिनत आइटम्स।
एक बार अवश्य आए अपने परिवार और दोस्तों के साथ। अल करीम फास्ट फूड, बर्थडे, मैरिज और किसी भी ओकेजन के लिए हमसे संपर्क करें। अब बेटियों के लिए ना हो परेशान, विकास ज्वेलर्स लाया है आपकी सभी मुश्किलों का समाधान। ज्वेलरीज, लेडीज वेयर और लेडीज स्पा सैलून एक ही फ्लोर में आपको उपलब्ध होंगी ये सारी सुविधाएं। विकास ज्वेलर्स में हर तरह की ज्वेलरी उपलब्ध है, आकर्षक गिफ्ट्स, ऑफर्स और इंस्टॉलमेंट के साथ। मिनी मॉल फैशन बाजार में आपको उपलब्ध होंगी सभी तरह की लेडीज वेयर, किड्स वेयर, कॉस्मेटिक आइटम्स उचित मूल्य पर। लेडीज पर्स, बैग्स, सैंडल्स, पार्टी वेयर्स एंड कैजुअल्स फॉर फीमेल्स अब हर रेंज में उपलब्ध है। द ब्यूटी लेडी स्पा एंड सैलून में आपको मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं लॉरियल प्रोफेशनल्स के तरफ से। स्वागत है आपका शॉपिंग मॉल में। हमारा पता, फर्स्ट फ्लोर, सासा मार्केट, ओल्ड पुरुलिया रोड, नियर आजाद नगर थाना, मानगो, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 06572956158। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। ट्रक और कार में भीषण टक्कर हो गई जिसमें एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। गिरिडीह के धनवार थाना क्षेत्र के कोडरमा मेन रोड के समीप गुरुवार की सुबह कार और ट्रक के बीच भीषण टक्कर हो गई। इस टक्कर में कार ड्राइवर की मौत हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुटी है। इधर जमशेदपुर के खास महल स्थित REO कार्यालय में सांसद विद्युत मदन महतो ने समीक्षा बैठक की। आपको बता दें, जल्द पूर्वी सिंहभूम जिले की सड़कों का जीर्णोद्धार होगा, जिसे लेकर सांसद ने कवायद तेज कर दी है। पूर्वी सिंहभूम जिले के अंतिम गांव तक जर्जर सड़कों को बहुत जल्द बनाया जाएगा। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत नए सड़कों के लिए सूची तैयार की जा रही है, जहां 39 नई सड़कों का टेंडर हो गया है। वहीं 172 सड़कों के लिए सूची तैयार की गई है। बहुत जल्द पूर्वी सिंहभूम जिले में सड़कों का जीर्णोद्धार होगा। वहीं समीक्षा बैठक में सांसद विद्युत वरण महतो समेत कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा कि जल्द से जल्द सड़क तैयार हो जाए, लोगों की परेशानी दूर हो, इसके लिए वे कटिबद्ध है। बहरागुड़ा गोबरासोल मतलब अंतिम गांव गोपालपुर पंचायत बहरागुड़ा जगन्नाथपुर, इधर उड़ीसा सीमा से लेकर पश्चिम बंगाल सीमा बड़ाम पटौदा तक हर क्षेत्र का रोड को जो है वहाँ से संबंधित विभाग के लोग से, वहाँ से संबंधित कैडर से सारे रोड सूचीबद्ध हम लोग कर लिए। इसमें कई तो टेंडर में लगभग 39 रोड ऑलरेडी टेंडर में चल रहे और अभी हम लोग सूचीबद्ध कर रहे हैं 14 रोड और टेंडर पर गया है। ये सब प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत होगा। अभी गिरिराज सिंह से हमने भेंट करके 172 रोड का पूरा लोकसभा क्षेत्र के हमने लिख के दिए थे। उन्होंने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट से रिकमेंड करा के और पूरा DPR तैयार करके सेंट्रल भेजिए, ताकि यहाँ से हम लोग जल्दी सेंक्शन करें। उन्होंने आश्वस्त किया है कि लगभग 2 साल में जितना भी वहाँ से प्रपोज आएगा तो पूरा टूटा फूटा रोड हो जाए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ फोर में जो 5 साल से ज़्यादा समय हो गया, बड़े बड़े रोड, उसको हम लोग पूरा करेंगे। इधर माझी बाबा के पुण्यतिथि में जरूरतमंदों के बीच 150 कंबल का वितरण किया गया। चांगिल प्रखंड क्षेत्र के तिरेडी गांव के पारंपरिक मांझी बाबा सोम हंसदा की पहली पुण्यतिथि में उनके तस्वीर पर उपस्थित ग्रामीणों ने बारी बारी माल्यार्पण कर उन्हें याद किया एवं मांझी बाबा सोम हंसदा के याद में उनके पहली पुण्यतिथि के अवसर पर क्षेत्र के समाज सेवी डोमन बास्के द्वारा बढ़ती हुई कनकनी ठंड को देखते हुए मुखिया होटल तिरडी पुरोडी सहित कई गांव में समाज सेवी डोमन बास्के ने बुधवार को सैकड़ों असहाय विधवा बुजुर्ग महिला पुरुष एवं अति जरूरतमंद लोगों के बीच करीब 150 कम्बल वितरण किया। मौके पर समाज सेवी प्रकाश मांडी, समाज सेवी जुझार सोरेन, सिमल बेसरा, संतोष बेसरा, डाटू सोरेन आदि मुख्य रूप से मौजूद थे। पुण्यतिथि 1 साल के बाद सभी पूरा ग्रामवासी मिल के हम लोग एक विचार विमर्श करके इसको हम लोग मनाने का एक संदेश समाज को देने का प्रयास किए हैं कि आने वाले समय में जो हम लोगों का जो
जो जो खोया हुआ जो हमें हमारे जो ये होते हैं जो मतलब बहुमूल्य कीमती होते हैं चीज़ होते हैं उसे हमें किस प्रकार से संवरना होगा, हमें किस प्रकार से उसे याद करके हमें आगे बढ़ना होगा और हमारे समाज को हमारे हर ऊंचाई के लेवल में हमें पहुंचाने का प्रयास हमें मन से रखना होगा। इसी को हम लोग पूरा ग्रामवासी बैठ के दो दिन पहले से विचार विमर्श किए और हमें एक सही निर्णय लेने का प्रयास था लिए और आज हम लोग पुण्यतिथि के रूप में इसको याद किए। और सुनारे स्थित कागल नगर सेंटर प्रांगण में आज सुपाटी की ओर से जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण किया गया। सुनारी मंडल के अध्यक्ष अभय सिंह ने आयोजन के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि आजसू पार्टी सुनारी मंडल की ओर से बढ़ते ठंड को देखते हुए कागल नगर सेंटर के प्रांगण में जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया जा रहा है। पार्टी द्वारा अन्य क्षेत्रों में भी इस तरह का आयोजन किया जाएगा। जिस तरह से ठंड बढ़ रही है उसको मद्देनजर रखते हुए आज सुनारी मंडल की ओर से आजसू पार्टी मंडल की ओर से कंबल सैकड़ों कंबल का वितरण किया जा रहा है, जिसमें गरीब बूढ़े जरूरतमंदों को कंबल आज हम लोग वितरण करेंगे और हजारों की संख्या में वितरण करेंगे। आज ये सुनारी सेंटर के प्रांगण से ये हम लोग कंबल वितरण का आयोजन कर रहे हैं और इसके बाद हम लोगों पटमदा क्षेत्र हो गया और भी अन्य क्षेत्रों में जाके कंबल वितरण करेंगे। मैं सुनारी मंडल अध्यक्ष अभय सिंह। उधर बढ़ते कोरोना के प्रकोप के मद्देनजर साक्षी बाजार में लगे फुटपाती दुकानदारों को साक्षी आम बगान में दुकानें लगाने का निर्णय जिला प्रशासन के द्वारा लिया गया। फुटपाती दुकानदारों का कहना है कि प्रशासन द्वारा लिया गया निर्णय सही है, मगर गुरुवार को साक्षी आम बगान में सिर्फ 4 दुकानदारों ने अपनी दुकानें लगाई, जिससे उनकी गुरुवार को कमाई नहीं हुई। दुकानदारों का कहना है कि पूरे फुटपाती दुकानदार एक साथ आम बगान में दुकान लगाएंगे तभी रोजी रोटी चलेगी। बाजार में हम लोग फुटपाथ में दुकान लगा रहे थे, कल जिला प्रशासन के आदेश हुआ कि यहाँ पर दुकान नहीं लगाना है, आम बगान में शिफ्ट करना है दुकान। तो हम लोग आज 4 ही आदमी यहाँ पर दुकान लगाए हैं, बाकी आदमी अभी तक नहीं पहुँचे हैं, जो कि 300 से अधिक दुकान वहाँ पर लगता है। सारे दुकानदार अगर यहाँ आके लगा ले दुकान तो यहाँ भी जिस तरह से वहाँ बड़ी मात्रा में दुकान और भीड़ होती है, बाज़ार होता है, सबका बिक्री होता है, उस तरह यहाँ भी बिक्री होने लगे, सबका रोजी रोटी चले, लेकिन यहाँ पर अभी तक कोई पहुँचा नहीं है, जिस वजह से यहाँ ग्राहक भी नहीं आ रहा है। सुबह से हम लोग का एक भी कस्टमर नहीं है, ना किसी को पता भी नहीं होगा कि आज दुकान यहाँ पर लगा है, इसलिए कि सबको पता होना चाहिए कि आज के बाद आज से आम बगान में ही दुकान लगेगा। क्यों बोला गया था? कोरोना के वजह से, कोरोना के बढ़ते कदम को देखते हुए प्रशासन और सरकार का निर्णय है जो कि बहुत ही अच्छा है, यह निर्णय हमेशा रहे और कोविड को देखते हुए, कोविड का पालन करते हुए हम लोग हमेशा दुकान यहीं लगाने को कोशिश भी करेंगे और चाहते भी हैं। कितने दुकान लगाए हैं आप लोग? आज हम लोग 4 दुकान लगाए हैं, बाकी दुकानदार भाई कोई नहीं पहुँचे। जिला प्रशासन के आपने बात सुना? हाँ, आप लोग प्रशासन के बात से हम लोग हमेशा उन्हीं के बात पर चलते हैं, चलते थे और अभी भी चलते रहेंगे। और मानगो स्थित गांधी मैदान और बड़ा हनुमान मंदिर के समीप कांग्रेस पार्टी की ओर से मास्क का वितरण किया गया। मानगो गांधी मैदान और बड़ा हनुमान मंदिर के पास कांग्रेस पार्टी की ओर से मौलाना अंसार खान के नेतृत्व में आम लोगों के बीच मास्क का वितरण किया गया। इस दौरान आम लोगों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करने का सुझाव दिया गया। स्वास्थ्य मंत्री श्री मन्ना गुप्ता जी के निर्देश अनुसार उन्होंने निर्देश दे रखा है, जब से तीसरी लहर का आना शुरू हुआ है तो यहाँ पर आज तीसरा दिन है। आज हम मानगो मैदान, गांधी मैदान, यहाँ पर जो सब्जी मंडी है, सब्जी बेच रहे हैं, यहाँ पर बिना मास्क के पहना जा रहा है, लोग आ रहे हैं बिना मास्क के आ रहे हैं यहाँ पर, और क्या नाम है, इनको सबका एक मास्क वितरण किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा, मंगल के दिन जो 402 क्या नाम है निकले थे और परसों और कल का रिपोर्ट है बुध के दिन 658, लगभग आज मेरे ख्याल 1600 कम से कम क्या नाम है ये मरीज निकल चुके हैं। अगर यही हालत रहा, मुझे ऐसा लगता है जमशेदपुर में महामारी की बीमारी आ जाएगी और इसको संभालना बहुत भारी पड़ जाएगा। और इन लोगों से, दुकानदारों से यही रिक्वेस्ट किया जा रहा है, मास्क के बिना मास्क पहने हुए दुकान ना लगाएं, आने वाले ग्राहक को मास्क पहनने का क्या नाम है कहें कि जब उसको बिना मास्क पहनने वाले को कोई सब्जी या कोई चीज़ ना दें। उधर साक्षी ठाकुर बाड़ी रोड स्थित शक्ति टावर में सीटीएमटी सेंटर में कोविड के बचाव और रोकथाम के उपाय पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया।
सीटीएमटी के डायरेक्टर डॉक्टर राम कुमार ने बताया कि देश में बढ़ते कोरोना के प्रकोप के मद्देनजर यह सेमिनार का आयोजन किया गया है। लोगों के साथ साथ कई अस्पताल के कर्मचारी डॉक्टर भी कोरोना के चपेट में आ रहे हैं। सभी स्टाफ नर्स डॉक्टरों के साथ बैठक का आयोजन कर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। हमारे सेंटर पे डायबिटीज को लेकर और साथ में जो ऐसे मरीज जो कोविड के हैं और जिनकी संख्या बढ़ रही है उनके इलाज और बचाव को लेकर हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा डिस्कशंस किया है और उसमें ये चर्चा में ये बात हमने रखा है कि आपको जो भी मरीज आते हैं उन्हें आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन कराना है, साथ में अपने आप को भी हमें कोविड ना हो ताकि हम अपने परिवार को भी इन्फेक्ट ना कर पाएं, इसके लिए भी जितने भी तरीके होते हैं कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की, जैसे कि मास्क पहनना है, सैनिटाइजेशन पे ध्यान देना है, डिस्टेंस सोशल डिस्टेंसिंग पे ध्यान देना है, हैंड हाइजीन को मेंटेन करना है, बाहर की चीज़ों को नहीं खाना है, पेशेंट को प्रॉपरली स्क्रीन करना है, अगर किन्हीं भी कोई पेशेंट डाउटफुल लगते हैं उनका तुरंत रैपिड एंटीजन टेस्ट किट से टेस्ट करवाना है। तो इन सभी चीज़ों को हमने अपने सारे डॉक्टर स्टाफ और जो भी पैरामेडिकल्स हैं सबको मैंने डायरेक्शंस दिया है कि इन चीज़ों को मुख्यतः और काफ़ी फोकस देकर उस पर ध्यान दें और इसकी जांच करें। वही होटल जीवा में झारखंड में टीवी को खत्म करने को लेकर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया जिसमें झारखंड राज्य के कई डॉक्टरों ने हिस्सा लिया। डिस्ट्रिक्ट जिला यक्षमान केंद्र के सहयोग से लोग यहाँ पे एक मासिक बैठक कर रहे हैं जिसमें जो जिले में जो टीवी का जांच और उपचार हो रहा है उसमें हम जिला स्तर पे सहयोग प्रदान कर रहे हैं जिसमें हम सभी टीवी मरीजों को उनके जांच में उनके उपचार में सहायता प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में हम यहाँ पे डब्ल्यू टीवी मरीजों को ड्रग रेसिस्टेंट मरीजों के लिए एक मन बॉक्स का शुरुआत कर रहे हैं जिससे क्या होगा कि मरीजों का डिजिटल एड्रेस हम चेक करेंगे, मरीज दवा खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं उसका डिजिटली हम मॉनिटर कर पाएंगे और फिर हम उनको देख पाएंगे वो उनका दवा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और किसी कारण से उनकी अगर सूचना हमें डिजिटली नहीं मिल पाती है तो हम उनको समय पर उनके पास पहुँच के उनको उचित देखभाल का परामर्श करना है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। गोलमोरी थाना क्षेत्र में घटी फायरिंग की घटना, राहगीर महिला को लगी गोली, टीएमएच में चल रहा इलाज। बागबेड़ा के बेड़ोडीपा में झूठे आरोप से व्यथित एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या का किया प्रयास। बुधवार की रात दो अलग अलग स्थानों में चोरी की घटी घटना, पुलिस मामले की कर रही जांच। और 10 टन सरिया के साथ राजनगर पुलिस ने गया से किया एक अभियुक्त को गिरफ्तार। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।